Welcome friends, in this video, we'll study about 8th Constitutional Amendment Act 1960. India ke Constitution ka 8th Amendment Act 1960 ek important amendment tha, jo Scheduled Caste, Scheduled Tribe aur Anglo-Indian Community ke liye seat reservation ka provision karta hai. Is amendment ne Article 333 aur Article 334 ko amend kiya, jisme seat reservations aur Anglo-Indian Community ke nominations ka period बढ़ाया गया. आर्टिकल 333 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिजर्वेशन के लिए है, वहीं आर्टिकल 334 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देता है. 26 जनवरी 1950 में जब इंडिया रिपब्लिक बना तब ये रिजर्वेशन 10 साल के लिए ही दिया गया था और 10 साल के बाद ये रिजर्वेशन खत्म होना था, यानी 1960 तक. लेकिन पिछले 10 सालों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी. इसी को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन को 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया. पहले ये रिजर्वेशन 26 जनवरी 1960 तक खत्म होना था, लेकिन 8 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो सीट रिजर्व थी उसे 26 जनवरी 1970 तक बढ़ा दिया गया. 8th अमेंडमेंट को 1959 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो उस टाइम इंडिया के होम मिनिस्टर थे, ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था. लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट्स के रेटिफिकेशन के बाद प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 5th जनवरी 1960 को बिल पर अपना असेंट दिया और ये बिल एक्ट बन गया और उसी दिन से इम्प्लीमेंट हो गया. 8th अमेंडमेंट से जो रिजर्वेशन दिया गया वो सिर्फ एक बार का एक्सटेंशन नहीं था. 8th अमेंडमेंट के बाद रिजर्वेशन को कई और अमेंडमेंट्स के थ्रू हर 10 साल बाद बढ़ाया जाता रहा है. जैसे 1980 में 23rd अमेंडमेंट एक्ट, 1990 में 45th अमेंडमेंट, 2000 में 62nd अमेंडमेंट, 2010 में 79th अमेंडमेंट, 2020 में 95th अमेंडमेंट और 104th अमेंडमेंट से रिजर्वेशन को 2030 तक एक्सटेंड किया गया है. 8th अमेंडमेंट एक्ट ने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए सोशल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, जो इंडिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को और स्ट्रॉन्ग बनाता है.